हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, आज 21वीं सदी में हमने कई बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। रोबोटिक्स, एआई, मिलिट्री, सभी में हमने कुछ ऐसे डेवलपमेंट देखे हैं जिसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल था। पर अगर एक रिमार्क के तौर पर देखें तो भारत के समाज में इन सबसे कई ज्यादा और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। वो है महिलाओं का भारत के समाज में अपने भागीदारी देने का बढ़ चढ़कर हर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के समय में महिलाएं इतिहास रच रही हैं। अब जैसे पायलट शिवानी सिंह और अवनी चतुर्वेदी को ही ले लीजिए। अवनी चतुर्वेदी कुछ महीने पहले एक वार्डन लीडर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेने वाली व भारत को जापान में रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। ठीक उसी प्रकार पायलट शिवानी सिंह फ्रांस में आयोजित होने वाले ओरियन अभ्यास में वायुसेना की तरफ से पहली महिला पायलट के रूप में हिस्सा लेने वाली है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पहली बार राफेल रडार सिस्टम भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करने वाला है। वैसे तो राफेल फ्रांस की ही टेक्नोलॉजी है और ओरियन एक्सरसाइज फ्रांस द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो कई सारे दिलचस्प नज़ारे भी देखने को जरूर मिलेंगे। आपको बता दें कि भारत को फ्रांस में रिप्रेजेंट करने वाली महिला पायलट शिवानी सिंह पहली बार MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान को उड़ाने में सक्षम है। साथ ही 2020 में राफेल को पहली बार उड़ाने वाली महिला पायलट बनी। इसके अलावा ये महिला पायलट पंजाब में स्थित IAF के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का भी हिस्सा है। दोस्तों, देखा जाए तो काफी गर्व की बात है। जहाँ पहले महिलाओं को किसी भी काम को करने के लिए सही नहीं माना जाता था, आज वही महिलाएं भारत के पुराने सोच और संविधान नियम कानूनों से लड़कर आज अपने लिए एक नया रास्ता तैयार कर चुकी हैं। पहले जिन महिलाओं को पुरुषों के साथ तुलना कर कमजोर कहा जाता था, आज भारत की वही महिलाएं भारत के सभी सेनाओं में अपनी सर्विसेज दे रही हैं, चाहे मिलिट्री हो, वायुसेना हो या फिर नेवी। हर जगह महिलाएं अपनी क्षमता और काबिलियत के बलबूते में हर परिस्थितियों का सामना डट कर रही हैं और अपने आप को हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग साबित कर रही हैं। भारत की इन छवियों को देखकर भारत सरकार का टैगलाइन सही साबित होता है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपके क्या ओपिनियंस हैं इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।